लंबी छुट्टी आ गया मेरा, लंबी छुट्टी करा गया। और आज पूरे पानीपत के साथ साथ पूरा देश अपने जांबाज को सलाम कर रहा है। मेजर आशीष देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए तीन बहनों के इकलौते भाई, एक छोटी बच्ची के पिता, माता पिता के इकलौते बेटे ने वादा किया था कि वो एक महीने बाद घर जरूर आएंगे और नए घर में गृह प्रवेश भी करेंगे, लेकिन 13 सितंबर को उनकी शहादत की खबर घर पहुंची और आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिलों को चीर देती हैं। ये चीखें खून को खौला देती हैं। शहादत को सलामी देते ये लम्हे याद दिला रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए उसका एक सपूत वीर गति को प्राप्त हो गया। ये तस्वीरें कह रही हैं कि सनद रहे कि भारत पर जो नापाक निगाहें उठी, उन्हें नस्तो नाबूद करने के लिए मैंने कुर्बानी दी है और ये कुर्बानी जाया न जाए। शहीद के घर वालों के ये आंसू, ये उम्र भर का गम जाया न जाए। ये सलामी तभी मुकम्मल होगी जब दुश्मनों को माकूल जवाब दिया जाएगा। अनंतनाग में 19 राजपूताना राइफल्स के कोकरनाग कंपनी के कंपनी कमांडर सेना मेडल से सम्मानित मेजर आशीष आतंकियों से लोहा ले रहे थे। ऊंचाई पर बैठे आतंकियों ने पहाड़ी पर चढ़कर सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की। एनकाउंटर शुरू हुआ लेकिन मेजर आशीष इस दौरान आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। 13 सितंबर को मेजर आशीष शहीद हो गए, अपने पीछे अपनी पत्नी और मासूम बच्ची छोड़ गए, जिनके लिए आंखें नम तो हुई लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नौजवानों के सीने में गर्व, बदले की आग और अमर जवान के लिए सम्मान दिखा। शहीद मेजर आशीष ध्वजक कौन थे ये पूरा देश आज जान गया है और हर बच्चे की जुबा पर ये नाम दशकों तक याद रहेगा, सदियों तक याद रहेगा, उनकी जुबा पर ये नाम रटा रहेगा। क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि एक बेटा जिसने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, एक पति जिसकी पत्नी घर पर है और एक पिता जिसकी 2.5 साल की बेटी घर पर है, तीन बहनों का लाडला अब अपने पूरे परिवार को छोड़ के जा चुका है लेकिन पीछे वो यादें छोड़ गया है। 2 साल पहले ही मेजर आशीष का तबादला उत्तर प्रदेश के मेरठ से जम्मू कश्मीर के राजौरी हुआ था। वो अगले महीने ही अपने घर आने वाले थे। घर वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार आंसुओं का सैलाब लेकर आया। मेजर आशीष तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचे जहां उन्हें आखिरी सलामी दी गई।